यानस विक्रांत का हैंगर का एरिया है जहां पर लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर तैनात होते हैं। एनएस विक्रांत की मारक क्षमता की अगर बात की जाए तो इस पर MiG-29 के जो लड़ाकू विमान है वो तैनात होगा। इसके ट्रायल इस वक्त हो रहे हैं। एक वक्त में 30 के लगभग लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर तैनात होंगे, चाहे MiG-29K की बात की जाए या फिर इस कामोव हेलीकॉप्टर जो लंबे समय से भारतीय नौसेना का हिस्सा है। आने वाले दिनों में MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर भी इस पर तैनात होगा और इसकी जो ताकत है वो लगातार बढ़ेगी समुद्री मोर्चों पर। और अगर हम MiG-29K की बात की जाए तो तमाम आधुनिक जो हथियार हैं, चाहे मिसाइल हैं, वो इस पर तैनात की गई हैं। इसी तरह से कामोव हेलीकॉप्टर और आने वाले दिनों में MH-60 जो हेलीकॉप्टर होगा वो भी INS विक्रांत की ताकत को, मारक क्षमता को और बढ़ाएगा। युद्धपोत विक्रांत पर ऐसे ही 30 लड़ाकू विमान तैनात किए जा सकते हैं जो किसी भी दुश्मन के शहर को नेस्तनाबूद करने के लिए काफी है। भारत इस पर अपने एडवांस लड़ाकू विमानों को तैनात करने का भी मन बना रहा है। आगे की प्लानिंग काफी बड़ी है, लेकिन जिस हैंगर वाले इलाके से आपने ये रिपोर्ट देखी, अब हम आपको दिखाते हैं वो तरीका कि कैसे अंदर से लड़ाकू विमानों को ऊपर के सतह पर लाया जाएगा। युद्धपोत विक्रांत पर 2 लिफ्ट लगे हुए हैं। ये लिफ्ट लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों को उसके हैंगर वाले एरिया से ऊपर की सतह यानी कि डेक तक यही लिफ्ट पहुंचाते हैं और फिर वहां से लड़ाकू जहाजों को अपने मिशन के लिए रवाना किया जा सकेगा। यहां पर मौजूद लड़ाकू विमान पानी और जमीन दोनों पर हमला करने में पूरी तरह से सक्षम है। इसके अलावा ये युद्धपोत कई भयानक मिसाइलों से भी लैस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब INS विक्रांत को भारतीय नौसेना में शामिल करेंगे तो उसके बाद ये भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा विमान वाहक युद्धपोत होगा। अब इसकी मारक क्षमता से हम आपको रूबरू करवाते हैं। इसमें एक वक्त में 30 से ज्यादा लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर तैनात हो सकते हैं, जिसमें MiG-29 लड़ाकू विमान के अलावा कामोव और MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर तैनात होंगे। इसके साथ ही अगर मिसाइल की बात की जाए तो 450 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली ब्रह्मोस मिसाइल के अलावा बराक मिसाइल भी इस पर तैनात होगी। और ये जो विमान युद्धपोत है अगले कई सालों तक भारतीय नौसेना की ताकत को बढ़ाएगा। इसकी मारक क्षमता की अगर बात की जाए तो ये किसी भी दुश्मन देश के एक बड़े शहर को आसानी से नेस्तनाबूद कर सकता है। कैमरामैन सत्य के साथ में जितनेगी INS विक्रांत, कोची।